call is now being recorded. Good morning, student. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So, next Aridho Phyta complete kiya tha. Next group Gymnosperm. Gymnosperm and Angiosperm दो हमें पढ़ने हैं आज की क्लास में. Algae, Bryo, Pterido. Fourth group is Gymnosperm. Gymnos means naked at NCERT me. And sperma means seed. अभी कभी एम्स में क्वेश्चन था. इन स्पर्मेटोफाइट्स, हालांकि स्पर्मेटोफाइट फाइट फॉर प्लांट यूज होता ही है, स्पर्मेटो में यही पूछा गया था कि स्पर्मेटोफाइट में स्पर्मा का मीनिंग क्या है. स्पर्मा का मीनिंग होता है सीड. सीड बियरिंग प्लांट्स को आप टेक्निकली स्पर्मेटोफाइट्स बोलेंगे. और जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, तो इनमें सीड नेकेड होगा इसलिए नाम जिम्नोस्पर्म दिया गया. जब आप इनको पढ़ेंगे तो नेकेड सीड प्लांट है ये. मैं यहाँ पे सिर्फ सीड प्लांट के लिए लिख रहा हूँ. सीड प्लांट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो स्पर्मेटोफाइट. स्पर्मा का मीन्स सीड होता है और नेकेड वर्ड जिम्नोस से आएगा, तो जिम्नोस और स्पर्मा दो वर्ड से मिलके ये बना हुआ है, तो ये नेकेड सीड प्लांट है. अब नेकेड का मतलब यहाँ पे ये है कि यूजुअली सीड आपको फ्रूट के अंदर दिखाई देता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होता, सिर्फ सीड है, फ्रूट एग्जिस्ट नहीं करता. फ्रूट बनता है ओवरी से, सीड बनता है ओव्यूल से. तो यहाँ पे ओव्यूल होगा प्री फर्टिलाइजेशन और आगे फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड में चेंज हो जाएगा, बट कोई ओवरी नहीं है इसलिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन फ्रूट नहीं बनेगा. तो नेकेड सीड का मतलब ये है कि ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन ओवरी. और अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे तो सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट. फ्रूट के अंदर सीड नहीं है, या प्री फर्टिलाइजेशन ओवरी के अंदर ओव्यूल. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नेकेड सीड प्लांट याद रखना है ना. एक तो ये वर्ड यूज हो जाएगा है. नेकेड का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट है कि ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स ओवरी के अंदर नहीं है, बिकॉज ओवरी से एब्सेंट है, तो इसलिए ये नेकेड सीड प्लांट हो गए है ना. तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ये याद रखना. बाकी चीजों से अगर आप देखेंगे तो और क्या क्या इम्पोर्टेंट आएगा. वैस्कुलर सिस्टम तो प्रेजेंट होगा क्योंकि वो तो टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो गया. देन इसके बाद दूसरी चीज क्या आएगी, अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज के हिसाब से देखें तो ये प्लांट किंगडम का सबसे छोटा ग्रुप है. स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज. स्पीशीज से ही हम काउंट करते हैं डायवर्सिटी को, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था ये. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक शायद सिर्फ 900 स्पीशीज है जिम्नोस्पर्म की जो नोन है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कहा जाए तो ये स्मॉलेस्ट है ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम. और ये किस बेसिस पे लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ स्पीशीज. नंबर ऑफ स्पीशीज के हिसाब से ये सबसे छोटा ग्रुप माना जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज क्या है कि जिम्नोस्पर्म
वन ऑफ द मोस्ट, बिकॉज मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट तो आप जो बोलेंगे वो एंजियोस्पर्म, बट क्योंकि इनमें सीड है तो ये वन ऑफ द सक्सेसफुल प्लांट कहलाते हैं। अगर आप बैक टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल जाएंगे तो मीजोजोइक एरा, जैसे आप पढ़ते हैं जू में कि वो एज ऑफ रेप्टाइल्स कहलाता है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो मीजोजोइक एरा में जिम्नोस्पर्म प्रोलिफरेट किए थे, और मीजोजोइक एरा से लेके और मॉडर्न एरा तक अभी तक ये सक्सेसफुली अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो प्लांट के हिसाब से एज ऑफ जिम्नोस्पर्म मीजोजोइक एरा को कहा जाता है ना, उस टाइम पे जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन हुआ, तो तब से लेके आज तक ये सर्वाइव कर रहे हैं। हालांकि जो रेप्टाइल्स थे जैसे डायनासोर आप पढ़ते ही, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए थे मीजोजोइक एरा के खत्म होने पर ही खत्म हो गए थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म तब से लेके अब तक सर्वाइव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको हालांकि नेक्स्ट क्लास मतलब 12th की बुक के हिसाब से आएगा ये, बट मीजोजोइक एरा इसको आप एज ऑफ जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं, ये भी चीज याद रखिएगा। ये तो जनरल चीजें हो गई, अब आती है इनकी हैबिटेट, हमें जनरल करेक्टर्स पढ़ने हैं, तो सब देख लीजिए। सबसे पहले इनका हैबिटेट, अगर हम हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म में ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, बट हर्बेशियस नहीं है, है ना, कोई भी हर्ब्स जिम्नोस्पर्म में नहीं है, और सारे टेरेस्ट्रियल हैं, कोई भी एक्वाटिक जिम्नोस्पर्म नहीं है। दो पॉइंट हो गए, अगर हम हैबिटेट के हिसाब से कहा जाए तो पहला पॉइंट आएगा कि दे आर डोमिनेटेड बाय ट्रीज, फ्यू हर्ब श्रब्स, ब्रैकेट में लिख सकते हैं नो हर्ब्स, कोई भी जिम्नोस्पर्म हर्बेशियस नहीं है। जैसे प्लांट को हैबिटेट के हिसाब से हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हर्ब श्रब ट्री इनमें डिवाइड करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में हर्बेशियस प्लांट नहीं है, मोस्टली ट्रीज है एंड कुछ श्रब्स आएंगे। ऑल आर टेरेस्ट्रियल, नो एक्वेटिक जिम्नोस्पर्म, कोई भी एक्वेटिक जिम्नोस्पर्म नहीं है, सारे टेरेस्ट्रियल है उसके भी। और इनमें से अगर आप कहें तो टॉलेस्ट ट्री, टॉलेस्ट ऑफ प्लांट किंगडम एज वेल एज टॉलेस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म यहीं पे आता है, दिस इज सिक्वोया। ये टॉलेस्ट ट्री है ना, जाइंट रेड वुड ट्री कहते हैं इसे। को यार टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म भी हो गया, और अगर ओवरऑल टॉलेस्ट भी आएगा मतलब एनजीओ भी अगर हम मिला ले तो भी सबसे टॉल यही आएगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद रखना है कि ना। और मोस्टली आपने लिखा है कि डोमिनेटेड बाय टॉल ट्रीज, तो अधिकतर तो इसी तरीके से ट्रीज आ जाएंगे। ये हैबिटेट का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, अब आएगा इनकी प्लांट बॉडी। यहां से भी वही आएगा कि प्लांट बॉडी कैसी होगी, रूट स्टेम लीफ, ट्रू जो रूट स्टेम लीफ होनी चाहिए उस तरीके से सारी पॉसिबिलिटी है। तो प्लांट बॉडी में कैसी है, स्पोरोफाइट दैट इज टू एन वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। आ गई, थैंक यू।
बार बार स्क्रीन आ रही है जा रही है। क्या हो रहा है? हेलो सर। अच्छा अरे सर, ड्यूटी सर लैपटॉप ने है। लेफ्ट किया। हाँ डिस्कनेक्ट कैसे हो? सो साइकस एंड पाइनस में अगर आप देखेंगे तो साइकस में रूट कैसी है? टैप रूट सिस्टम है। वैसे भी जिम्नोस्पर्म में टैप रूट होती है। साइकस में भी कैसी है? टैप रूट है। लेकिन दोनों में कुछ चेंजेस है ना। साइकस में इस टैप रूट के अलावा एक और रूट होती है जिसको हम कोरोलाइड रूट कहते हैं। कोरल लाइक आउटग्रोथ्स की फॉर्म में होती है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस साइकस में एक और रूट है जो कोरोलाइड रूट कहलाती। सर प्लांट बॉडी से समझा दीजिए। ओके। प्लांट बॉडी में डोमिनेंट तो वो जो ब्लॉक डायग्राम आपने पढ़ा था प्लांट किंगडम के शुरू में, तो उसके हिसाब से स्पोरोफाइट आएगा। स्पोरोफाइट में रूट, स्टेम, लीफ तीनों चीजें होंगी क्योंकि टेरिडोफाइट में भी थी तो अब आने वाले ग्रुप्स में भी रहेंगी। अब हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, साइकस और पाइनस में अगर चेंजेस हैं या डिफरेंसेस कोई एग्जिस्ट करते हैं तो बस वो डिफरेंसेस देखने हैं। तो जैसे मैंने साइकस और पाइनस दोनों लिख लिए, साइकस में भी टैप रूट होती है, पाइनस में भी टैप रूट होती है, पूरे जिम्नोस्पर्म में टैप रूट ही होती है। लेकिन साइकस में टैप रूट के अलावा एक और रूट है जिसको हम कोरोलाइड रूट कहते हैं। कोरोलाइड रूट जमीन से ऊपर होती है, तो नॉर्मली रूट्स जमीन के अंदर होती है, ये जमीन से ऊपर निकल के आती है ना, लाइट में ग्रो करती है, जबकि रूट हमेशा डार्क में अंडर द सॉइल ग्रो करती है। तो साइकस में जो कोरोलाइड रूट है इसमें एक तो खास बात ये हो गई कि ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, ट्रॉपिक इज द मूवमेंट। तो रूट्स हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, रूट्स जमीन के अंदर ग्रो करती है। लेकिन जो साइकस की ये वाली रूट है वो जमीन से बाहर ग्रो करती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में ग्रो कर रही है, तो इसलिए इसको लिखा जाता है टेक्निकली नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। और इसके अलावा इसमें एक खास बात यह है कि कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सो इट इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दूसरा पॉइंट ये याद रखना है इसमें कि हैज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए, बीजीए में आपने नॉस्टॉक पढ़ा था, एना बेना, साइकस में टैप रूट तो नॉर्मल जो होनी चाहिए जैसे मॉर्फोलॉजी में आप टैप रूट पढ़ते हैं वैसा ही है, लेकिन एक रूट साइकस में ये स्पेसिफिक है जिसके दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये जमीन से बाहर ग्रो करती है, और दूसरा ये कि इसमें नॉस्टॉक एना बेना है, सो इट इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ये कर सकती है। पाइनस में है तो टैप रूट ही नॉर्मल, लेकिन टैप रूट में खास बात क्या है, विद सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी। आपको याद होगा फंगी में आपने माइकोराइजा पढ़ा था, और माइकोराइजा में माइकोराइजा जो सरफेस पे ग्रो करता है वो पढ़ाया था एक्टोमाइकोराइजा, और उसके एग्जांपल में लिखा था पाइनस रूट्स। तो यहाँ पे जो टैप रूट है अच्छा उस टैप रूट के ऊपर फंगी ग्रो कर जाएगी, तो वो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजल रूट्स, माइकोराइजा हो जाता है ना। तो साइकस में तो दो रूट है, एक नॉर्मल टैप रूट है जो जमीन के नीचे ग्रो करेगी, उसमें तो कोई स्पेशलिटी नहीं है, जो रूट का काम होता है वो करेगी, लेकिन इसके अलावा ये रूट है। पाइनस में है तो टैप रूट ही जो जमीन के नीचे ग्रो करती है, बट स्पेशलिटी ये है
कि वो स्टेप रूट के ऊपर फंगी ग्रो कर जाती है एज ए माइकोराइजा, तो इसलिए पाइनस की रूट माइकोराइजल रूट्स कहलाती है। तो ये दोनों चीजें रूट में स्पेसिफिक हैं साइकस और पाइनस के लिए, ये लाइन आपको याद रखनी। अब जैसे पाइनस में कभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइनस का सीड बर्न सॉइल पे ग्रो नहीं करता है ना, किसी फॉरेस्ट में मान लीजिए आग लग गई, जब किसी फॉरेस्ट में आग लगती है जो नेचुरल फॉरेस्ट फायर होती है, तो उनसे जो जमीन में पानी और माइक्रोब्स होते हैं वो सब मर जाते हैं, जमीन मिट्टी भी जल जाएगी बेसिकली, तो उसे हम बर्न सॉइल बोलते हैं। तो उस पे लिखा है कि बर्न सॉइल के अंदर पाइनस का सीड जर्मिनेट नहीं करता, उसका रीजन क्या है? अगर आप पाइनस के सीड को बर्न सॉइल में डाल दीजिए तो जर्मिनेट नहीं करेगा, तो उसका रीजन क्या होता है कि बर्न सॉइल के अंदर ये माइकोराइजा वाला जो फंगी है वो खत्म हो जाता है, मॉइस्चर लविंग होती है। अगर आप बर्न सॉइल लोगे तो बिल्कुल ड्राई होगी, बिना मॉइस्चर के तो फंगी ग्रो नहीं करेगी। तो बर्न सॉइल में पाइनस का सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि पाइनस को जर्मिनेट करने के लिए माइकोराइजा चाहिए, और माइकोराइजा वहां आएगा जहाँ गीली मिट्टी होगी, जहाँ नमी होगी, और बर्न सॉइल के अंदर वाटर तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो ये क्वेश्चन कभी इस तरीके से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज नॉट कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन ऑन बर्न सॉइल, तो उसका आंसर था पाइनस सीड। लॉजिक ये है कि पाइनस का सीड बर्न सॉइल पे इसलिए ग्रो नहीं करता क्योंकि माइकोराइजा वहां पे खत्म हो चुका होता है ना, पाइनस का सीड बिना माइकोराइजा के ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि रूट बिना माइकोराइजा के ग्रो नहीं करती। हम तो पाइनस के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म के अंदर माइकोराइजा होता है, क्योंकि जितना उन्हें जितने वो टॉल हैं, जिस लेवल का उन्हें वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन करना है अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, उतना रूट नहीं कर सकती, तो इसलिए नेचर ने रूट के साथ साथ फंगी दे दिया। फंगी में एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होती है, ये आप जानते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझने की चीज थी कि सीड वाला एग्जाम्पल क्या था। रूट के बाद अगर हम स्टेम को देखें तो दोनों के स्टेम में डिफरेंसेस क्या क्या हैं? सर पाइनस आल्सो शोस नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म सर। सॉरी सर पाइनस आल्सो शोस नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म सर। नो दैट इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। सर एक मिनट टर्न कीजिएगा, पेज पीछे निकल गया। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म इज ओनली शोन बाय कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस, इवन नॉट बाय टैप रूट ऑफ साइकस। दिस इज स्पेसिफिक फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस होगा देन ओनली नेगेटिवली जियोट्रॉपिक इज मेंशन्ड। इन केस ऑफ नॉर्मल टैप रूट ऑफ साइकस और इन केस ऑफ टैप रूट ऑफ पाइनस, बोथ आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, बोथ ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी, बट कोरोलाइड ग्रोज अवे फ्रॉम ग्रेविटी, सो दैट साइट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ओके थैंक यू। क्लियर? सो नेक्स्ट अबाउट स्टेम, इन केस ऑफ साइकस, साइकस में जो स्टेम है वो अनब्रांच है, ब्रांचिंग नहीं होती, जैसे पाम का स्टेम आपने नोटिस किया होगा, साइकस को हम सागो पाम भी कहते हैं, हालांकि पाम एंजियोस्पर्म होते हैं। तो जैसे साइकस का स्टेम अगर हम देखेंगे तो सिर्फ एक नॉर्मल सा है विद क्राउन ऑफ लीफ, ऊपर आपको मिलेंगी एट द टॉप, जो भी साइकस में टॉप पे आपको क्राउन ऑफ लीफ मिल जाएगा। पाइनस में खास बात क्या है, पाइनस का स्टेम ब्रांच होता है, जब ब्रांचिंग होगी तो इसमें दो ब्रांचेस होंगी, एक कहलाती है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, इनको हम बोलते हैं लॉन्ग शूट। आप एनसीईआरटी में फिगर देखेंगे जिम्नोस्पर्म का, तो उसमें पाइनस वाले में तो नहीं लिखा है, लेकिन जो जिंको का फिगर है उसमें लिखा हुआ है कि लॉन्ग शूट्स एंड डॉफ शूट्स, और दूसरी क्या होती है, सेकंड वन आर ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जिनकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, उन्हें हम लॉन्ग शूट्स कहते हैं, जिनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है दोज आर कॉल्ड डॉफ शूट्स।
अब साइकस में तो कोई ब्रांचिंग है ही नहीं, तो साइकस में लॉन्ग शूट्स और डॉफ शूट्स नहीं आएंगी, बट जहां जहां ब्रांच सिस्टम होगा वहां वहां पे लॉन्ग शूट्स एंड डॉफ शूट्स आती है। डॉफ शूट्स की ग्रोथ क्यों लिमिट कर जाती है? बिकॉज इनकी टिप पे आपको लीव्स नजर आएंगी, है ना, लीफ बनने की वजह से ग्रोथ रुक जाती है। यहाँ पे क्या है कि लीफ नहीं बनेगी, तो इसलिए ये हमेशा ग्रो करती रहेंगी। तो अभी हम स्टेम पढ़ रहे हैं, तो स्टेम के हिसाब से ब्रांच सिस्टम होगा पाइनस का, और उसमें डॉफ शूट्स और लॉन्ग शूट्स प्रेजेंट होंगी। एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं, वहां किया गया है लॉन्ग शूट्स क्या है और डॉफ शूट्स क्या क्या है। फिर आएगा लीव्स। अगर हम साइकस और पाइनस की लीफ को देखेंगे तो लीफ में इंपॉर्टेंट क्या है, साइकस की लीफ वैसी ही है जैसी कि आपने फर्न में पढ़ी थी, टेरिडोफाइट में, और आपने ये भी लिखा था कि फर्न की जो यंग लीफ होती है वो स्पाइरली कॉइल्ड होती है, उसे सरसिनेट टिक्सिस का नाम दिया था। सेम फीचर्स आर शोन बाय साइकस। तो जैसे कभी आता है कि साइकस फर्न से बने हैं, अगर हम ट्रेस करें इवोल्यूशन के हिसाब से, तो साइकस जैसे जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन फर्न जैसे टेरिडोफाइट से हुआ। तो इस बात का प्रूफ क्या है? तो वन ऑफ द प्रूफ इज कि जैसी फर्न के अंदर यंग लीफ और मैच्योर लीफ है, लाइकवाइज साइकस में भी यंग लीफ और मैच्योर लीफ होती है। फर्न में भी आपने पढ़ा था कि यंग लीफ स्पाइरली कॉइल्ड है, सरसिनेट टिक्सिस कहते हैं, और मैच्योर लीफ पिन्नेटली कंपाउंड है। साइकस में भी दोनों पॉइंट सेम है ना। साइकस की लीफ को आप देखेंगे तो इसमें एक तो आएगा कि जो यंग लीफ है ये सरसिनेट टिक्सिस को शो करती है। सरसिनेट टिक्सिस मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया है, तो आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, है ना, यंग लीफ आर स्पाइरली क्वाइट। ठीक है, मैं आपको सिर्फ शो कर दे रहा हूँ स्लाइड में। ये देखो, ये आपने पिछली क्लास में फर्न के लिए लिखा था, फर्न में यंग लीफ आर स्पाइरली क्वाइट, उसे सरसिनेट टिक्सिस कहते हैं। लाइक दिस, ऐसे ही आपको साइकस में दिखाई देगी। किसी के साइकस का प्लांट अगर घर में लगा रखा है तो उसमें यंग लीफ निकलते हुए आप देख सकते हो, और जो मैच्योर लीफ होगी वो भी सेम है। मैच्योर लीफ कैसी होती है? वो पिन्नेटली कंपाउंड। सर, लीफ है या लीफ है? सर, फिर से बोलो बेटा, लीफ। लीप्स लिखा हुआ है ना हाँ, सर? लीफ लिखा लिखा हुआ हुआ है, लीप लीव्स लिखा हुआ है। हाँ, लीफ है या फिर लीप्स होगा, मतलब क्या लिखना है? कुछ भी लिख लीजिए, लीफ लिख लीजिए या लीव्स लिख लीजिए, एक पत्ती हो या हजार पत्तियां हो, हमें तो सिर्फ करेक्टर्स पढ़ने हैं ना। आप लीफ लिख लीजिए तो यंग लीफ लिख लीजिए, लीव्स लिख लीजिए तो लीव सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन बहुवचन ही तो है, कैसे भी लिख लीजिए, दोनों सही है, कुछ गलतियां नहीं है उनमें। यंग लीफ और मैच्योर लीव्स, है ना, यंग लीव सरसिनेट टिक्सिस को शो करेंगी, मैच्योर पिनेटली कंपाउंड होगी। और ये दोनों बातें आपने फर्न के लिए भी लिखी है, इससे ठीक पहले वाली क्लास में आप इन दोनों को फर्न के लिए पढ़ते हैं। पाइनस में लीफ कैसी होती है? पाइनस में यंग और मैच्योर में ये वाली बात नहीं आएगी। पाइनस की लीफ कैसी होगी? पाइनस की लीफ निडल शेप होती है। बुक में तीन करेक्टर लिखे हैं, निडल शेप है, थिक क्यूटिकल है, क्यूटिकल एक वैक्स मटेरियल है, तो एक थिक क्यूटिकल है, निडल शेप लीफ है, और संकेन स्टोमेटा होते हैं। संकेन का मतलब है धंसे हुए, लीफ के अंदर होते हैं। ये तीनों करेक्टर किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो पाइनस में ये तीनों करेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पाइनस टेम्परेट एरिया का ट्री है, एक कोल्ड डेजर्ट में, है ना। डेजर्ट को हमेशा हम ये समझते हैं कि रेगिस्तान का मतलब आपके लिए ये समझ में आता है कि जैसे राजस्थान में रेगिस्तान है, वो हॉट डेजर्ट कहलाता है, ये गर्म गर्म वाला रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान का एग्जाम्पल आएगा। ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं, ठंडे रेगिस्तान का मतलब क्या है, जैसे स्नो कवर्ड माउंटेन है। डेजर्ट का मतलब होता है, एज पर टर्मिनोलॉजी, डेजर्ट का मतलब है जहां पे बारिश एक सर्टेन मिलीमीटर की रिक्वायरमेंट से कम हो। तो बारिश की जगह अगर बर्फ गिर रही है तो वो डेजर्ट के जैसे ही होगा। जैसे आप लेह लद्दाख अगर देखते हैं इंडिया में, तो वो कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है। और वो ये कहाँ होते हैं? टेम्परेट एरिया में। आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो इक्वेटोरियल लाइन ट्रॉपिकल बेल्ट है, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल आएगा, उसके ऊपर टेम्परेट एरिया आएगा। तो क्योंकि पाइनस एक टेम्परेट एरिया में ग्रो करने वाला प्लांट है, तो वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए उसमें ये तीन एडॉप्टेशन है ना। पाइनस एक जीरो फाइट है,
ये याद रखिएगा, है ना, दीज आर जीरोफिटिक एडॉप्टेशन, जीरोफिटिक एडॉप्टेशन फॉर ग्रोइंग इन टेम्परेट एरियाज, तो टेम्परेट एरिया में ग्रो करने के लिए ये जीरोफिटिक एडॉप्टेशन है जो पाइनस शो करता है ना। हालांकि लीफ होती कैसी है, लीफ सिंपल होती है, लीव्स कैसी हैं, सिंपल, जैसे यहाँ पे लीव कैसी है, कंपाउंड, यहाँ लीव कैसी है, सिंपल। अब कंपाउंड में दो टाइप थे, पिनेटली या पामेटली, तो फिलहाल पिनेटली कंपाउंड लिखा हुआ। तो साइकस में तो यंग लीफ और मैच्योर लीफ के अंदर चेंजेस हैं, लेकिन पाइनस में ऐसा कुछ नहीं है, पाइनस में सारी लीफ सिंपल है। हालांकि ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए जीरोफाइट होने की वजह से उनमें कुछ चेंजेस आ गए, एंड दोज चेंजेस आर कि लीफ का शेप नेडल के जैसा हो गया, उनके ऊपर एक थिक क्यूटिकल है जो ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए चाहिए, और स्टोमेटा लीफ के अंदर धंसे हुए होते हैं, तो उसकी वजह से भी वाटर का लॉस कम होता है। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी में ये आपको याद रखनी है। तो ये हुआ साइकस पाइनस का वेजिटेटिव पोर्शन, मीन्स रूट स्टेम लीफ कैसी है, तो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमने वो देखे। अब साइकस पाइनस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो ज्यादा है नहीं कुछ, जो भी इंपॉर्टेंट है वो फिर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि आपको एक रिप्रोडक्शन के हिसाब से ही साइकिल पढ़नी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिख लीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, पहली चीज तो ये आएगा कि साइकस प्लांट कैसा है, पाइनस कैसा है। तो साइकस में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो इसका मतलब साइकस कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को क्या बोलते हैं, डायोशियस। बट पाइनस कैसा होता है, पाइनस में दोनों सेक्सेस, मतलब दोनों चीजें एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से वो बाइसेक्सुअल हो गया। बाइसेक्सुअल को क्या बोलते हैं, मोनोशियस। तो एक डिफरेंस ये आ गया कि साइकस यूनिसेक्सुअल डायोशियस है और पाइनस बाइसेक्सुअल और मोनोशियस है। तो ये दोनों चीजें हो गई, इसमें दोनों ऑप्शन है। अगर हम साइकस के हिसाब से देखेंगे, साइकस बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल प्लांट अलग होते हैं, बाइसेक्सुअल का मतलब डायोशियस, जबकि पाइनस कैसा है, ये सॉरी पाइनस कैसा है, ये बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल मींस मोनोशियस। तो एक डिफरेंस ये भी हो गया कि साइकस में मेल फीमेल अलग अलग प्लांट है और पाइनस में मेल फीमेल एक ही होंगे। अब हम जैसे हमने एक टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल ड्रॉ की थी उसी तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि हमें सब चीजें जर्नलाइज्ड ही पढ़नी है। तो एक जर्नलाइज्ड लाइफ साइकिल के हिसाब से चीजें देखनी है और क्या क्या चीजें बनेंगी, कैसे बनेंगी, वो इम्पोर्टेंट। आपको सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ, ये हो गया पेज कम्प्लीट है ना। हम ये आपने टेरिडोफाइट का बनाया, बोलो सर। यस सर बोल रहे थे। ये आपने टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल ड्रॉ किया था, और क्योंकि टेरिडोफाइट में आपने ये लिखा था कि ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है, सिंगल स्पोर्स होंगे, सिंगल टाइप के, एक ही टाइप के स्पोर है, तो इसलिए बनाना ऐसे ही आपको। और फिर इसके बाद मैंने आपको हेट्रोस्पोरी पढ़ाया था टेरिडोफाइट में ही, और हेट्रोस्पोरी लिखा था कि वो सीड बनाने के लिए जरूरी है। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे हम, दोनों ही सीड प्लांट है, तो इसका मतलब दोनों ही हेट्रोस्पोरस होंगे। अब दोनों ही अगर हेट्रोस्पोरस होंगे तो साइकिल कैसे बनेगी, तो जैसे आपने ये स्पोर लिखा हुआ है, हम पैरेलल टू दैट माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर मान के चलेंगे। जैसे मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि अगर ये हेट्रोस्पोरस की साइकिल होती तो जैसे यहाँ स्पोर एक लिखा हुआ है, तो माइक्रो और मेगा अलग अलग स्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, तो इनको बनाने वाली सेल भी अलग होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल।
माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल, और फिर यहाँ आएगा मेल कोन और फीमेल कोन। अब मेल कोन और फीमेल कोन एक ही प्लांट पे हो सकती है, जैसे अभी हम पाइनस पढ़ रहे हैं, पाइनस में बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम ट्री, तो पाइनस बाइसेक्सुअल है तो मेल और फीमेल कोन एक पे आ जाएंगी। और अगर साइकस होगा तो मेल कोन के लिए मेल स्पोरोफाइट होगा, फीमेल कोन के लिए फीमेल स्पोरोफाइट होगा, है ना, लाइकवाइज। तो ये चीजें आ जाएंगी। ऐसे फिर जब आप माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर से गैमेटोफाइट पे जाएंगे तो माइक्रोस्पोर से बन जाएगा मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर से बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। जहां हेट्रोस्पोरी होती है वहां प्रोथेलस नहीं होता, ये भी आपको पढ़ाया था, तो प्रोथेलस छोड़ दो। तो मेल गैमेटोफाइट में आना चाहिए एंथ्रीडियम और फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम, मेल फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट, एम्ब्रियो, और क्योंकि अब साइकस है तो या पाइनस जिम्नोस्पर्म है तो सीड बन जाएगा, सीड जर्मिनेट करके फिर से नया प्लांट बना देगा। तो अगर हम एक रफली साइकिल समझें कि क्या होने वाला है, अभी हम क्या लिखेंगे, तो माइक्रो और मेगा हमारा पैरेलल में चलता रहेगा। फिलहाल अभी हम पाइनस के हिसाब से ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज साइकस एक लिविंग फॉसिल है, अभी हम लिखेंगे। पाइनस एक जर्नलाइज्ड है, जो एडवांस जिम्नोस्पर्म है उनमें कोनीफर्स आते हैं जिनसे पाइनस आता है, तो उसी हिसाब से बना लेते हैं, है ना। देखो यहाँ पर समझ लो, मान लेते हैं कि एक स्पोरोफाइट है और एक ये स्पोरोफाइट, टू एंड डिप्लॉइड, ये डोमिनेंट स्टेज है, यहीं से शुरू किया था आपने। इस स्पोरोफाइट में रूट और स्टेम और लीफ सब है, रूट स्टेम लीफ के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब अगर ये स्पोरोफाइट बाइसेक्सुअल है, जैसे पाइनस लिखा आपने, है ना, तो अगर वो मोनोशियस है तो इसका मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर बॉर्न ऑन द सेम ट्री। तो पाइनस में होगा क्या कि पाइनस के केस में मेल कोन और फीमेल कोन इसी पे मिल जाएगी आपको, लाइक ये मेल कोन है, मेल कोन या स्ट्रोबुलस, ऐसे फीमेल कोन आएगा या स्ट्रोबुलस, है ना, कोन या स्ट्रोबुलस, ये आपने टेरिडोफाइट के लिए भी पढ़ा था। अब मेल कोन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव लीफ होंगी वो क्या कहलाएंगी, माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल में क्या बन जाएंगी, मेगा स्पोरोफिल, है ना। माइक्रो और मेगा बस ये वर्ड पैरेलल में चलेंगे, बाकी आपने जो साइकिल ड्रॉ की थी उसी तरीके से आप समझेंगे। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, ऐसे मेगा स्पोरोफिल के अंदर क्या होगा, मेगा स्पोरेंजियम। इस मेगा स्पोरेंजियम को ही हम ओव्यूल बोलते हैं, है ना। अभी आपने लिखा ना ओव्यूल सीड में चेंज होता है, नेकेड सीड प्लांट थे जिम्नोस्पर्म, क्योंकि ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज बाय ओवरी। अब आप देखो तो ओव्यूल आपको कहाँ मिल रहे हैं, मेगा स्पोरोफिल के ऊपर मिल रहे हैं, और वो एक कोन की फॉर्म में है, तो फीमेल कोन। इस मेगा स्पोरेंजियम को कवर अप करने के लिए कोई ओवरी नहीं है, लेकिन जब आप एंजियोस्पर्म बनाओगे तो ओव्यूल कहाँ मिलते हैं, ओवरी के अंदर। जैसे आप बनाते हैं गाइनीशियम में कार्पेल होता है, कार्पेल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और फिर ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, तो वो नेकेड नहीं होंगे, वो फिर कवर्ड हो जाएंगे। तो अभी ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम को ही हम ओव्यूल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया कि इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम को क्या कहते हैं, तो ओव्यूल कहलाएगा। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स होंगी वो क्या, अभी आपने क्या बोला, इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। इंटेगुमेंट आपने ट्वेल्थ का डायग्राम याद करो ना, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में एक ओव्यूल का टीएस बना हुआ है, एलएस बना हुआ है सॉरी, तो ओव्यूल के एलएस में इंटेगुमेंट्स उनकी कवरिंग को कहते हैं। तो ओव्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है दोज आर इंटेगुमेंट्स, तो ओव्यूल क्या कहलाएगा, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। जैसा क्वेश्चन का वर्ड सेंटेंस था मैंने वही बोला कि इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड ओव्यूल। माइक्रोस्पोरेंजियम में जो सेल्स होंगी जिनमें मियोसिस होगी, दोज आर माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये 2N है, लास्ट स्टेज स्पोरोफाइट की हो गई। मेगास्पोरेंजियम के अंदर सेल क्या कहलाएगी, मेगास्पोर मदर सेल, ये भी 2N हो गया। अब मान लीजिए मियोसिस हो गई है, तो मियोसिस रिडक्शन डिवीजन RD,
माइक्रोस्पोर, मदर समझे, मियोसिस के बाद क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर को दूसरा नाम क्या जानते हैं आप? पॉलन। 12th का चैप्टर याद करिए, हालांकि यहाँ भी लिखा है पॉलन ग्रेन या सिर्फ पॉलन भी कह सकते हैं। अब ये हैप्लॉइड हो गया, तो ये स्पोरोफाइट खत्म हो गया, यहाँ से गैमेटोफाइट और वो भी मेल गैमेटोफाइट शुरू हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा? मेगा स्पोर आ जाएगा। ये भी कैसा होगा? एन। तो हमने सिर्फ क्या है कि दो अलग अलग स्पोर क्यों चाहिए, क्योंकि हेट्रोस्पोरी सीड बनाने की पहली रिक्वायरमेंट है और जिम्नोस्पर्म सीड प्लांट है, तो इसलिए दो अलग अलग टाइप के स्पोर, दैट इज माइक्रो एंड मेगा चाहिए। तो माइक्रो मेगा स्पोर चाहिए, तो पैरेलल टू दैट जितने भी स्ट्रक्चर्स थे सभी जगह माइक्रो और मेगा या मेल फीमेल वर्ड चलेगा। तो जिस सीक्वेंस में हमने टेरिडोफाइट का लिखा था वैसे ही जिम्नोस्पर्म की साइकिल है। द ओनली डिफरेंस इज कि टेरिडोफाइट में मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट के लिए होमोस्पोरस कंडीशन थी, तो माइक्रो मेगा वर्ड यूज नहीं किए। अब जिम्नोस्पर्म में क्योंकि हेट्रोस्पोरी है, फिक्स है, ऑल आर हेट्रोस्पोरस बिकॉज ऑल आर सीड प्लांट्स, तो इसलिए यहाँ माइक्रो और मेगा पैरेलल में चलता है। एक तो ये डिफरेंस हो गया कि सारे हेट्रोस्पोरस हैं, तो उस हिसाब से हमने माइक्रो मेगा मेल फीमेल वर्ड लिख दिया। अब दूसरा डिफरेंस ये आएगा, क्योंकि हमने ब्लॉक डायग्राम में पढ़ा था कि विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन गैमेटोफाइट छोटा होता जाएगा, स्पोरोफाइट इलाबोरेट करता जाएगा, तो जिम्नोस्पर्म में क्या हो रहा है? जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल गैमेटोफाइट जो बनेगा उसमें एंथ्रीडियम नहीं होगा, डायरेक्ट मेल गैमीट बन जाएंगे। एंथ्रीडियम खत्म कर दिया जिम्नोस्पर्म में। टेरिडोफाइट में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों थे, एंथ्रीडियम के अंदर एंथेरोजॉइड यानी मेल गैमीट बन रहे थे और आर्किगोनियम के अंदर फीमेल गैमीट बन रहा था एग। यहाँ पे क्या है कि मेल गैमेटोफाइट को रिड्यूस कर दिया गया अप टू 3 और 4 सेल, इससे ज्यादा का मेल गैमेटोफाइट नहीं होता। तो मेल गैमेटोफाइट में फिर एंथ्रीडियम नहीं बनेगा, सिर्फ मेल गैमीट बन जाएंगे, बट फीमेल गैमेटोफाइट में अभी भी आर्किगोनियम है। तो आप जिम्नोस्पर्म को देखोगे तो ये आर्किगोनिएट कहलाते हैं। आर्किगोनिएट इसलिए कहलाते हैं बिकॉज एंथ्रीडियम नहीं है, केवल आर्किगोनिया है जिम्नोस्पर्म के केस में। जर्नल अभी हम पढ़ रहे हैं, तो जर्नलाइज स्टेट में ये चीज आएगी। माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बना, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा मेल गैमेटोफाइट, ये एन हो गया, बॉक्स के अंदर ही कर देता हूं। और मेगास्पोर से क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी एन हो गया। तो दो अलग अलग गैमेटोफाइट बन गए। अब क्योंकि मेल गैमेटोफाइट तो बहुत रिड्यूस है, रिड्यूस है तो ये कितना है, ये किस सेंस में रिड्यूस हुआ? इस सेंस में कि ये 3 और 4 सेल्ड होगा, केवल 3 या 4 सेल का बना होगा। जैसे आप अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर अगर आपको याद आता है तो आपने वहां लिखा है एंजियोस्पर्म के लिए पढ़ा था हालांकि, कि मेल गैमेटोफाइट 3 सेल का होता है, उसमें 2 मेल गैमीट होते हैं जो जनरेटिव सेल से बनते हैं और 1 वेजिटेटिव सेल होती है, बस इसके अलावा मेल गैमेटोफाइट में और कुछ नहीं है। हालांकि वहां फीमेल गैमेटोफाइट भी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट में अभी भी आर्किगोनिया होगी, मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडिया नहीं है। एंथ्रीडिया नहीं है तो डायरेक्ट क्या है इस मेल गैमेटोफाइट में? इसमें 3 या 4 सेल में से 2 मेल गैमीट होंगे और बाकी जो बचेगी 1 या 2 सेल वो वेजिटेटिव होगी, वो आगे जाके डिजेनरेट कर जाएगी। तो मेल गैमेटोफाइट में डायरेक्टली आपको यहां से क्या मिलेगा? मेल गैमीट मिलेगा। एन हैप्लॉइड, और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट में अभी भी जैसे मैंने बोला कि यहां पे आर्किगोनियम है, और इस आर्किगोनियम के अंदर एग होगा। तो मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम खत्म हो गया, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट में अभी भी आर्किगोनिया एग्जिस्ट करती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे क्या होगा? अब यहां पे मेल, अभी तक मेल गैमेट आपने लिखा था कि फ्लैजिला वाले थे,
है ना। ब्रायोफाइट में भी लिखा कि वो बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइट था, टेरिडोफाइट में लिखा आपने कि मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइट था। यहां से क्या होगा, मेल गैमीट में फ्लैजिला खत्म हो जाएंगे, मेल गैमीट नॉन मोटाइल होंगे। अगर मेल गैमीट नॉन मोटाइल होंगे तो फिर वो एग तक पहुंचेंगे कैसे, तो यहाँ से एक स्टेप ऐड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आप पॉलिनेशन भी आगे चैप्टर में पढ़ते ही, पॉलिनेशन का पर्पस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट और पॉलन अप टू द स्टिग्मा। हालांकि एंजियोस्पर्म में स्टिग्मा होती है, यहाँ स्टिग्मा तो होगी नहीं, तो यहाँ क्या होगा, जो भी आर्किगोनियम का माउथ होगा, जो भी आर्किगोनियम कहाँ मिलेगा आपको, आर्किगोनियम मिलेगा फीमेल गैमेटोफाइट में, और फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ है, ओव्यूल के अंदर। ये स्ट्रक्चर बाहर तो आया नहीं, ये तो एक के अंदर एक के अंदर एक है, लेकिन मेल गैमेटोफाइट्स में जो पॉलन बनते हैं वो पॉलन से मेल गैमीट तो बाहर आते हैं ना। आपने जैसे पॉलिनेशन पढ़ा है कि वहां पे एंथर आप पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म में कि एंथर से पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे, तो जो स्ट्रक्चर बाहर आया वो केवल मेल हुआ, फीमेल वाला तो वहीं का वहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐड क्या होगा कि मेल गैमेटोफाइट एग को फर्टिलाइज तो करेंगे, बट फर्टिलाइज करने से पहले यहाँ पे एक चीज ऐड हो गई, और वो ऐड क्या हुआ, पॉलिनेशन। पहले पॉलिनेशन होगा फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और पॉलिनेशन आप तीन टाइप से पढ़ते हैं, एयर, वाटर एंड बाय एनिमल्स। लेकिन जिम्नोस्पर्म में केवल एयर पॉलिनेशन होता है और कोई नहीं होता। तो एक तो एयर पॉलिनेशन होगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक चीज जो ऐड हुई दैट इज एयर पॉलिनेशन, एंड देन फर्टिलाइजेशन। अब जब एयर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर यहां से बन जाएगा जाइगोट, दैट इज 2N। ये जाइगोट ग्रो करके बनेगा एम्ब्रियो 2N, और ये एम्ब्रियो जब जर्मिनेट करेगा तो स्पोरोफाइट में। अब यहां पे खास बात क्या है, खास बात ये है कि यहां पे ओव्यूल था, इस मान लीजिए एक सर्किल है ओव्यूल, उसी के अंदर ये सेल थी, मियोसिस हो गई तो ये बन गया, इससे जो है वो ये स्ट्रक्चर बन गया, उसमें एग है। मेल गैमीट तो कहीं और से यहाँ पे आके फर्टिलाइज करेगा ये, तो बेसिकली ये जाइगोट जो बना है, फिर ये जो एम्ब्रियो ये बना है, तो ये किसके अंदर बना है, ये बना है ओव्यूल के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, सीड। सीड को आप क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अगर ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या कहलाएगा, सीड। तो जिस ओव्यूल के अंदर एग था उसी फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बन गया सीड और एग बन गया जाइगोट से एम्ब्रियो। तो इनमें सीड बन जाएगा और सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा, तो जब यहाँ पे सीड का जर्मिनेशन होगा तो स्पोरोफाइट आ ही जाएगा। बाकी केस में आपसे पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो से बन जाता है प्लांट, सीड वर्ड यूज नहीं करते। सीड वर्ड पहली बार कहाँ यूज हो रहा है, जिम्नोस्पर्म में। तो यहां से सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए सीड इंपॉर्टेंट है। सीड बना और वापस स्पोरोफाइट आ गया। हमने ये जर्नलाइज्ड पढ़ा है, आप साइकस एक्सेप्शन है उस चीज में, साइकस को छोड़ दीजिए, तो बाकी एक जर्नल जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। और आप एनसीईआरटी से टेक्स्ट पढ़ेंगे तो यही सारे वर्ड बोल्ड कर करके उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, तो वो आपको देखना है ना। जैसे लिखा है कि फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड विदिन मेगास्पोरेंजियम, तो फीमेल गैमेटोफाइट कहीं बाहर तो ना आ रहा है, किसी स्ट्रक्चर के अंदर ही बना है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको अगर एक रफ पेज पे समझा दूं, तो आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, ये हटा दूं साइकिल, ये मान लीजिए कोई ट्री है, ठीक, इस ट्री में ये कोन है, इस कोन में ये स्पोरोफिल हो गई, ठीक, एक बना दी मैंने फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे ओव्यूल्स आते हैं तो ये नेकेड ओव्यूल हो गए। तो जैसे आपने लिखा कि ये ट्री है तो ये स्पोरोफाइट हो गया, फिर ये ट्री की रूट स्टेम लीफ ब्रांचेस हो गई, खत्म कर दीजिए। ये जो सर्कल सा बना हुआ है ये कोन है, तो लाइक ये मैंने माना कि ये फीमेल कोन हो गया। अब फीमेल कोन के अंदर जो यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी, मेगा स्पोरोफिल। तो ये जो एक बनी है मेगा स्पोरोफिल, ऐसी हजार होंगी कम से कम, या 100 होंगी, 150 होंगी, 50 होंगी, नंबर बहुत सारा है। अब इस मेगा स्पोरोफिल के मार्जिन पे क्या क्या है, जैसे आपने लिखा था कि लीफ के मार्जिन पे स्पोरेंजिया था, स्पोरोफिल के मार्जिन पे स्पोरेंजिया था, ऐसे ये मेगा स्पोरोफिल है तो इसके मार्जिन पे क्या है, मेगा स्पोरेंजियम है, यानी कि ओव्यूल है। तो ये मान लीजिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस ओव्यूल के अंदर जो सेल होगी वो क्या है,
ये मान लेते हैं मेगास्पोर मदर सेल है, और मियोसिस के बाद यहाँ क्या बन गया, मेगास्पोर। तो ये हम पहुंच गए मेगास्पोर तक। अब मेगास्पोर से क्या बनेगा, यहीं पे आर्किगोनिया बनेगी, तो यहाँ पे बन गया फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर यही क्या बन गया, एग। मेल गैमेट तो कहीं और से आएगा बाय पॉलिनेशन, और ये फर्टिलाइज करके यहाँ क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट ग्रो करके यहाँ क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। तो जहां पे आपको एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है वहां पे ये जो बाहर वाली लेयर है, ये लेयर किसकी थी, ये लेयर ओव्यूल की थी। तो ओव्यूल अब क्या कहलाएगा, सीड। तो सीड के अंदर आपको जाइगोट या एम्ब्रियो मिल जाएगा। तो जैसा बुक में लिखा है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है दैट इज रिटेन विद इन पैरेंटल मेगास्पोरेंजियम, तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा, है ना। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पीछे समझाई थी कि किस ग्रुप के अंदर क्या हुआ, एल्गी और ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, तीन आप पढ़ चुके हैं। एल्गी और ब्रायो में आपने क्या पढ़ा, डोमिनेंट स्टेज हैप्लोइड थी गैमेटोफाइट, तो उस पे जाइगोट बना, और ब्रायोफाइट में जाइगोट से थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया फुट सीटा कैप्सूल का। कुल मिला के एल्गी और ब्रायो में क्या हुआ, गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बना। फिर टेरिडोफाइट आया, उसमें आपको पढ़ाया कि दोनों स्टेजेस अलग अलग होती है, किसी का किसी से कोई रिलेशन नहीं है। गैमेटोफाइट अलग सॉइल में बना प्रोथेलस, और स्पोरोफाइट रूट स्टेम लीफ वाला अलग था। आज आप क्या पढ़ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म। अब आप जिम्नोस्पर्म में नोटिस करेंगे तो ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट पे ही ये स्ट्रक्चर बना गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट कहीं बाहर तो आया नहीं। तो गैमेटोफाइट अब किस पे डिपेंडेंट हो गया, स्पोरोफाइट पे। उल्टा हो गया, जैसे एल्गी ब्रायो में गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट था, जिम्नो में क्या हुआ, स्पोरोफाइट पे गैमेटोफाइट। तो इसलिए जब ऑप्शंस होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर के करोगे क्वेश्चंस तो आपको उसमें भी मिल जाएंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि किस पे क्या है, कब स्पोरोफाइट पे गैमेटोफाइट है और कब गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट है, और एक ग्रुप ऐसा भी है जहां दोनों इंडिपेंडेंट है, दैट इज टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट के लिए तो कोई कंफ्यूजन आएगा ही नहीं, एल्गी ब्रायो एक जैसे हैं, जिम्नो एनजियो एक जैसे, इस तरीके से याद रखना। तो मैंने जो ये ड्रॉ किया, ये क्या है, एक सिंपल जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल है, जिसमें रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल फीमेल कोन्स बनेंगे, उन कोन के अंदर फाइनली आपको माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स मिल जाएंगे। जब फर्टिलाइजेशन और सब डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो जहां पे मेगा स्पोर है ओव्यूल के अंदर, वहीं पे आपको ओव्यूल से बन जाएगा सीड, और मेगा स्पोर में एग से फर्टिलाइज होने के बाद बन जाएगा जाइगोट और एम्ब्रियो। तो ये चीज पूरी हो जाएगी। जो यूनिक इवेंट्स हैं वो ये हुए कि जिम्नोस्पर्म में दो स्पोर बन रहे हैं, मतलब ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। वो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि हेट्रोस्पोरी सीड बनाने के लिए चाहिए थी, और जिम्नोस्पर्म का तो मतलब ही है सीड प्लांट, तो इसका मतलब हेट्रोस्पोरी तो कंपलसरी है, हेट्रोस्पोरी हो गई। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ एंथ्रीडियम। जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट को रिड्यूस करना था तो मेल गैमेटोफाइट को रिड्यूस कर दिया, कितना रिड्यूस किया कि एंथ्रीडियम हटा ही दिया, और केवल मेल गैमेटोफाइट में कितनी सेल है, तीन या चार सेल है। ये जो लाइंस लिखी है वो इसके लिए लिखी है, मेल गैमेटोफाइट के लिए। तो मेल गैमेटोफाइट रिड्यूस टाइप का होगा, थ्री या फोर सेल का होगा, इसी में मेल गैमेट हो गए। और मेल गैमेट से अभी मेल गैमेट नॉन मोटाइल है, ये कैसे है, ये भी लिख सकते हैं कि ये नॉन मोटाइल है। अगर ये नॉन मोटाइल है तो खुद तो जा नहीं सकते, वाटर की प्रेजेंस में तो जाएंगे नहीं, जैसे ब्रायो टेरिडो में फ्लैजिलेटेड थे तो मूव करके जा रहे थे, तो फिर जाएंगे कैसे। इसके लिए इवेंट ऐड हो गया, दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का काम होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू द अप टू द फीमेल गैमीट। तो ये यहां से निकल के यहां जाएगा एयर के थ्रू, तो एयर पॉलिनेशन। फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, ये कहलाएगा। क्लियर, ये हो गया साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक चीज और, आपने पढ़ा होगा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में दिया हुआ है। तो एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, जिम्नोस्पर्म में न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेगा, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो यहाँ न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम है उससे एग बन गया, उससे तो ये सब खत्म हो गया। इसके अलावा जो फीमेल गैमेटोफाइट का पोर्शन बचा रह जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में आर्किगोनियम का तो यूज हो गया, वो तो रिप्रोडक्शन में चला गया। फीमेल गैमेटोफाइट का जो बचा हुआ हिस्सा होगा
वो डायरेक्टली एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है। क्लियर? फीमेल गैमेटोफाइट के जो रेमिनेंट्स होंगे, रेमिनेंट्स का मतलब है रिमेनिंग पार्ट, तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट होगा दैट विल चेंज डायरेक्टली इनटू एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म सॉरी एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म कैसा हो गया? हैप्लॉइड, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट कैसा है? एन, और वर्ड यूज किया है डायरेक्ट बिना किसी चीज के, तो अगर डायरेक्टली वो इससे कोई नया स्ट्रक्चर बनेगा तो ये एन है, तो वो भी क्या कहलाएगा? हैप्लॉइड। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होगा वो हैप्लॉइड होगा, जबकि आप एंजियोस्पर्म में पढ़ते हो कि वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, जगह तो नहीं है बट आप समझ लीजिए कि ये फीमेल गैमेटोफाइट है, इसी का जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, ये ग्रीन कलर की लाइन है, हो सकता है आपको ना दिख रही हो, आप किसी और कलर से बना लीजिए। ये यहाँ लिखा हुआ, जायगोट से एम्ब्रियो बनाने में जो न्यूट्रिशन चाहिए वो फीमेल गैमेटोफाइट से आएगा। और यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये है क्या? दिस इज एंडो स्पर्म। एंडोस्पर्म कैसा है? ये एन, हैप्लॉइड। क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट से बना। एंडोस्पर्म का काम होता है डेवलपिंग सीड में जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होगा? सीड के अंदर। तो जायगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो इस टाइम पे जो न्यूट्रिशन चाहिए है ना, इसका फंक्शन क्या हो गया? न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम ये करेगा। हो गया, ये पूरा एक पेज पे अगर आप स्क्रीनशॉट ले पाए तो ले लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ फाइल तो मिलेगी, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर पूरा पेज होगा। अब जो पॉइंट्स यहाँ पे मिसिंग है वो आप अलग से समझ लीजिए, क्योंकि वो सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, कई बार पूछ लिए जा तो वो याद रखने। देखिए क्या क्या चीजें हैं, हमने लिखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में साइकस यूनिसेक्सुअल डायोशियस है और पाइनस भी लिखा हुआ है, साइकस यूनिसेक्सुअल डायोशियस है और पाइनस बाइसेक्सुअल या मोनोशियस है। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको देखनी है कि सारे जिम्नोस्पर्म के अंदर हेट्रोस्पोरी होगी होगी, है ना? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लीजिए, ऑल आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब है माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स, ये दोनों चीजें होंगी होंगी। तीसरी और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंथ्रीडियम नहीं होगा, है ना? मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड, देयर इज नो एंथ्रीडियम। कोई एंथ्रीडियम नहीं है। अब हमने लिखा था हाईली रिड्यूस में कितना है? टू थ्री और फोर सेल का है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? आपको ये सारी चीजें याद रखिएगा, कुछ महीनों के बाद जब भी आप, मान लीजिए जनवरी में हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हो 12th की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, तो मैंने वहीं से कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए,
क्योंकि जो भी चीजें हैं वो आपको एक साथ समझ में आनी चाहिए। तो जैसे अभी फिगर में लिखा था कि 3 या 4 सेल का होगा, और अगर आपसे पूछ लिया जाए जो ऑलरेडी पूछे जा चुका है एग्जाम में कि साइकस का मेल गेमेटोफाइट कितने सेल का होता है, 3 का या 4 सेल का, ये तो पता है कि किसी भी जिम्नोस्पर्म का 3 या 4 सेल का होगा। तो फॉर एग्जाम्पल साइकस का कितने का होगा, पाइनस का कितने का होगा, तो मैं वो चीज देखने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन साइकस दिस इज 3 सेल्ड एंड इन पाइनस दिस इज ऑफ 4 सेल्ड। तो क्लियर है कि अगर अलग अलग पूछ लिया जाए कि साइकस का मेल गेमेटोफाइट कितने सेल का है, तो 3 सेल का, पाइनस का मेल गेमेटोफाइट कितने सेल का है, 4 सेल का, दो आंसर अलग अलग हो गए। पहले हम मेल मेल से रिलेटेड ही सारी चीजें पूरी कर लेते हैं। फिर मेल गेमेटोफाइट हाईली रिड्यूस है तो मेल गैमीट्स बनेंगे, तो मेल गैमीट्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, अभी आपने लिखा। नॉन मोटाइल। अब इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन साइकस। अगर आप पाइनस या किसी और एग्जाम्पल के लिए लिखें या पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म में मेल गैमीट कैसे होते हैं, तो आंसर आएगा नॉन मोटाइल। बट अगर पूछा जाए कि साइकस में मेल गैमीट कैसे हैं, तो साइकस इस चीज में एक्सेप्शन है, साइकस के मेल गैमीट मोटाइल होते हैं। और फिर ये अगेन एक रीजन बन जाएगा कि साइकस का एवोल्यूशन फर्न से हुआ, क्योंकि तो फर्न के मेल गैमीट मोटाइल थे, साइकस के भी मोटाइल होते हैं। फर्न में मल्टी फ्लैजिलेटेड थे, साइकस में मल्टी सीलिएटेड होते हैं। फ्लैजिला और सीलिया का डिफरेंस केवल साइज का है, फ्लैजिला बड़े साइज का होता है, सीलिया छोटे साइज का होता है। तो साइकस के मेल गैमीट कैसे होते हैं, एक्सेप्ट इन साइकस वेयर मेल गैमीट्स आर मोटाइल, मोटाइल है। मोटाइल में ये मल्टी मतलब बहुत सारे सीलिया है, सीलिएटेड है, लट्टू के जैसे होते हैं, टॉप शेप्ड। और प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा मेल गैमीट साइकस का होता है, लार्जेस्ट ऑफ प्लांट किंगडम। सबसे बड़ा मेल गैमीट अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो साइकस का है। तो साइकस में एक पॉइंट ये यूनिक हो गया कि साइकस में अभी भी वही करेक्टर है जो फर्न का था, है ना। ये चीज क्या शो करता है, दिस शोज एक्वेटिक या फर्न एंसेस्ट्री, कि फर्न या एक्वेटिक टाइप का एंसेस्ट्री, क्योंकि मेल गैमीट के मोटाइल होने का मतलब है कि यहाँ वाटर चाहिए होगा। साइकस में अगेन वो लाइन आएगी, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, जो आपने ब्रायो और टेरिडो के लिए अलग से लिखी थी। एल्गी तो थे ही एक्वेटिक प्लांट, तो उनमें से तो अंडरस्टूड था। हाँ, साइकस के अलावा जितने भी हैं जिम्नोस्पर्म, जैसे पाइनस है या बाकी सब हैं, तो उनमें ये नहीं लाइन नहीं आती कि मेल गैमीट्स आर वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज सब जगह मेल गैमीट नॉन मोटाइल है। जब नॉन मोटाइल है तो उन्हें ट्रेवल करने के लिए, मूव करने के लिए वाटर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साइकस में मेल गैमीट मोटाइल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दे रिक्वायर वाटर एज ए मीडियम थ्रू विच कि वो ट्रैवल करें और उसके बाद वहां तक पहुंचे। तो साइकस को छोड़ के बाकी सब जगह मेल गैमीट कैसे हैं, नॉन मोटाइल है। अब साइकस या जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन किसी टेरिडोफाइट से हुआ, तो इस बात का प्रूफ क्या होगा, एक तो ये प्रूफ होगा कि लीफ का करेक्टर, फर्न की लीफ से रिजेम्बलेंस है साइकस की लीफ का, फर्न में भी यंग लीफ और साइकस में भी यंग लीफ सर्सिनेटिक्सिस को शो करती है, फर्न में भी मैच्योर लीफ और साइकस की भी मैच्योर लीफ कैसी है, पिन्नेटली कंपाउंड। दूसरी बात क्या, जैसे फर्न के मेल गैमीट मोटाइल होते हैं एंड दे रिक्वायर वाटर एज ए मीडियम टू ट्रेवल फॉर फर्टिलाइजेशन, साइकस में भी सेम चीज है, वाटर इज असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन बिकॉज मेल गैमीट्स आर मोटाइल। और मोटिलिटी में नंबर भी, क्योंकि फर्न के भी मेल गैमीट मल्टी फ्लैजिलेटेड थे, साइकस के भी मेल गैमीट मल्टी सीलिएटेड है। फ्लैजिला और सीलिया का स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है, कोई चेंज नहीं होता सिवाय साइज के, साइज में सीलिया छोटा होता है, फ्लैजिला बड़ा होता है। तो ये वो बातें हैं जो शो करती हैं कि हाँ, जिम्नोस्पर्म या साइकस का ओरिजिन किसी टेरिडोफाइट में फर्न से हुआ होगा। जैसे लिंक करते हैं सर, हम तो यहाँ। जो वाटर पॉलिनेशन होता है तो उसमें सारे मोटाइल होते हैं क्या, इमेज? वहां पे तो अलग चीज है, वाटर पॉलिनेशन एक प्रिमिटिव टाइप का पॉलिनेशन है, और वहां पे मोटाइल तो नहीं होते, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली फिर और चीजें डेवलप कर दी जाती हैं। मोटाइल नहीं होते वहां भी, पॉलिनेशन का मतलब ये है कि मेल गैमीट मोटाइल नहीं होगा,
अगर मोटाइल होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और अगर पॉलिनेशन बोल रहे हैं तो मोटिलिटी नहीं आएगी। इस बात में केवल एक साइकस की एक्सेप्शन है और कोई नहीं। साइकस में पॉलिनेशन भी है और मोटिलिटी भी है। साइकस में मेल गैमीट मोटाइल है बिकॉज ऑफ हैविंग सीलिया, लेकिन साइकस के मेल गैमीट मूव केवल बहुत थोड़ा सा करते हैं। थोड़ा सा मूव करने का मतलब है ओव्यूल के माउथ से लेके एग तक, लेकिन ओव्यूल के माउथ पे लेने के लिए तो साइकस में भी एयर पॉलिनेशन ही होता है। जिम्नोस्पर्म में हर जगह एयर पॉलिनेशन है, कोई और पॉलिनेशन है ही नहीं। वाटर पॉलिनेशन आएगा भी तो एंजियोस्पर्म में आएगा, अभी तो आप जिम्नोस्पर्म ही पढ़ रहे हैं। बट ये सही है आपने जो बोला कि इट डजंट मीन कि अगर हम पॉलिनेशन एक्वेटिक है तो उसमें मेल गैमीट मोटाइल बनाए। अगर मेल गैमीट को मोटाइल बना दोगे तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं है। अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो मेल गैमीट मोटाइल नहीं हो सकते। ये दोनों बातें सही है। साइकस में ये याद रखना है आपको, एक तो गैमीटोफाइट में जो चेंजेस है वो बता दिए और फिर गैमीट में बता दिए। आर्किगोनियम एज यूजुअल है, आर्किगोनियम में एग बनेगा और सारी बातें जो आपने पढ़ी वो। अगर हम फर्टिलाइजेशन के हिसाब से देखें, तो इसमें केवल साइकस आएगा है ना, इन साइकस, साइकस के लिए ये लाइन आएगी है ना, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ये भी एक्सेप्शन है। बाकी सब में क्या होगा, इन मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन अकर्स। अब यहां पे जैसे पॉलिनेशन है तो ये भी याद रखना है, क्योंकि जो पॉलिनेशन की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं, आपको पढ़ा दिया गया कि पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब स्टिग्मा तो जब होगी तभी बात आएगी ना, स्टिग्मा, स्टाइल, कार्पेल, ओवरी, ये सारे वर्ड तो आप एंजियोस्पर्म के लिए यूज करते हो। यहाँ तो स्टिग्मा होती नहीं, यहाँ कहाँ पे आएगा। तो यहाँ ओव्यूल है, आपने पढ़ा ना नेकेड ओव्यूल है, अभी आपको ये बना के दिखाया कि जैसे ये ओव्यूल है, बस यही है। यहाँ पे कोई इस टाइप का स्टिग्मा, स्टाइल और कार्पेल ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, केवल ये है अंदर सर्किल वाला। तो यहाँ पे माउथ होगा जो माइक्रोपाइल कहलाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ओव्यूल के माउथ यानी माइक्रोपाइल पे ही रिलीज कर दिया जाता है, रादर देन जैसे एंजियोस्पर्म में आप पढ़ते हैं कि स्टिग्मा के ऊपर मेल गैमेट रिलीज होंगे, फिर पॉलन ट्यूब बनेगी और वो अंदर एग को जाके फर्टिलाइज करेगी। तो ये वाला फिगर तो एनजीओ का है, ये जिम्नोस्पर्म। तो ये चीजें अंडरस्टूड हो जाती है कि ये तो आपको खुद ही ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज एबसेंट है तो डेफिनेटली वो आंसर नहीं हो सकता। तो पॉलिनेशन का मतलब है यहाँ पे कहाँ होगा कि मेल गैमीट को ओव्यूल के माउथ पे रिलीज किया जाएगा, जैसे नॉर्मली आप पढ़ते हैं स्टिग्मा पे रिलीज किया जाए। स्टिग्मा पे लैंडिंग नहीं होगी, यहाँ लैंडिंग कहाँ हो रही है, ऑन द माउथ ऑफ ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। माउथ ऑफ ओव्यूल या ओपनिंग ऑफ ओव्यूल क्या कहलाता है, माइक्रोफाइल। ट्वेल्थ में डायग्राम बनाया, आप उसको रिकॉल कर सकते। तो इसी के लिए एयर पॉल्यूशन जरूरी है ना, माउथ की ओव्यूल के ओपनिंग पे करने के लिए। हाँ बिल्कुल, ओव्यूल के माउथ तक पहुंच जाए तो एयर पॉल्यूशन है। एयर पॉलिनेशन जैसे आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि पॉलिनेशन यहाँ हमारा टॉपिक नहीं है। पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन प्रिमिटिव टाइप का है, जिम्नो में आप देख ही रहे हो, क्योंकि इससे पहले तो पॉलिनेशन कहीं नहीं था ना। सबसे पहली बार पॉलिनेशन जिम्नोस्पर्म में हुआ और वो भी एयर पॉलिनेशन हुआ। एयर पॉलिनेशन में वेस्टेज ज्यादा होता है क्योंकि लोकलाइज नहीं है, फिक्स नहीं है कि हवा एग्जैक्टली ओव्यूल के माउथ पे माइक्रोपाइल पे जाके ही मेल गैमेट या पॉलन को लैंड करा देगी। तो हजारों लाखों करोड़ों में से कोई एक या दो पहुंचेगा, बट कोई बात नहीं, अब मजबूरी है। प्लांट को इवॉल्व हुआ इस तरीके से कि उसी हिसाब से मेल गैमेट बना दिए गए, मेल गैमेट तो बहुत सारे बन जाते हैं। तो ये आपको फिलहाल याद रखना है कि हाँ पॉलिनेशन का केस आएगा, और साइकस के लिए जो है आपको याद रखना है कि ये वाला है, साइकस में वही आएगा जो टेरिडोफाइट में था या ब्रायोफाइट में था। जैसे पूछा जाता है वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ, तो आंसर एक्चुअली आता है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड साइकस। जिम्नोस्पर्म नहीं, बिकॉज जिम्नोस्पर्म में तो हर जगह ये वाला केस है। इसमें से एक एक्सेप्शन है, दैट इज साइकस, जहाँ पे ये वाली बात आती है। ये भी एक्वेटिक एंसेस्ट्री हो गई, एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए। बाकी कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, आप हर चीज स्पाइनस के हिसाब से अगर उस साइकिल को इमेजिन करोगे, जायगोट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, ये सब। एंडोस्पर्म लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो एंडोस्पर्म है
ये हैप्लॉइड होता है, और क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट से बना है ना, कहां से बना, फ्रॉम रेमिनेंट्स मतलब बचे हुए फीमेल गैमेटोफाइट टिश्यू। जो फीमेल गैमेटोफाइट के टिश्यू बचे रह गए वही डायरेक्टली एंडोस्पर्म में चेंज हो जाते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट तो पहले से ही बन चुका है, तो इसका मतलब एंडोस्पर्म क्या कहलाएगा, ये प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन गया प्रोडक्ट और हैप्लॉइड हो गया। जबकि एंजियोस्पर्म में तो आप पढ़ते ही कि ट्रिपल फ्यूजन होता है, तो ट्रिपलॉइड एंडोस्पर्म होता है, एंड ट्रिपल फ्यूजन फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, तो वहां पे वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होगा। तो जिम्नो और एनजीओ के डिफरेंसेस भी, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि जिम्नो और एनजीओ में दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट हैं, तो यहाँ पे बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया होता है, क्योंकि आगे आप जो भी पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो इन सबका डिटेल में ही पढ़ना है आपको। अब जब आप क्वेश्चंस करेंगे बुक में तो हो सकता है वो चीज एनसीईआरटी ने लिखी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट क्योंकि वो है जिम्नोस्पर्म की तो क्वेश्चन प्राइवेट बुक्स हैं ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं वो बेसिकली यही दे रखा उन्होंने। तो उतनी बात समझने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स जो ऑलरेडी हमें बाद में पढ़ने हैं वो हमने यही डिस्कस कर लिए, तो आपको याद रहेगा कि एटलीस्ट मुझे जिम्नोस्पर्म में इतनी चीजें याद रखनी है, इससे ज्यादा मेरे काम का नहीं है कोई भी, इससे ज्यादा हो भी तो आप छोड़ सकते हैं। तो ये एंडोस्पर्म की चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो एक साइकिल के हिसाब से जो भी चीजें होनी चाहिए वो सब हमने देखा। बाकी एनसीईआरटी में इवोल्यूशन का पैराग्राफ है, आप चाहें तो उससे भी जो पॉइंट्स हैं वो नोट कर सकते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिम्नोस्पर्म का रोल या फंक्शन जो भी है वो सब। क्लासिफिकेशन और उसके साथ साथ अगर कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं। हालांकि क्लासिफिकेशन कोई अलग से दिया नहीं है बुक में। सर एक बार पेज पीछे कर दीजिए, एक मिनट, लास्ट लाइन पर थोड़ा और ऊपर। हो गया सर। हो गया, चलो। तो ग्रुप्स हैं जिम्नोस्पर्म के, हालांकि एनसीईआरटी में ऐसे कुछ अलग से डिस्कस नहीं किया गया है, बट कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके लिए आपको ये पढ़ना है, मतलब कुल मिला के पढ़ना है ना। पहला ग्रुप क्या है, एक साइकेट्स कहलाते हैं निक नेम में, टेक्निकली इनको साइकेडो फाइटा में रखा गया, क्योंकि एनसीईआरटी में वर्ड नहीं है तो आप मान लीजिए कि मुझे बाहर से ही पढ़ना है। साइकेट्स मतलब साइकस के जैसे। इनमें क्या है, इनमें मोस्टली जो ग्रुप्स हैं दे इंक्लूड फॉसिल्स। साइकेट्स वो हैं जो फॉसिल जिम्नोस्पर्म को कैरी करते हैं। एग्जांपल्स में एक तो साइकस याद रखना है, साइकस लिविंग है तो ये क्या बन जाएगा, लिविंग फॉसिल। साइकेडोफाइटा है तो साइकस कैसा हो गया, लिविंग फॉसिल हो गया, साइकस अभी भी लिविंग है ना। एक और भी है बट आप साइकस ही याद रखिए, हालांकि दो मेंबर ऐसे हैं इस पूरे ग्रुप के, बेसिकली क्लास हो गया क्योंकि डिवीजन इज जिम्नोस्पर्म, तो डिवीजन के बाद क्लास अगर मान लीजिए आता है
इस पूरी क्लास के अंदर केवल दो जीनस ऐसे हैं जो लिविंग है, एक साइकस है और एक जामिया है। बट आप साइकस याद रखिए कि साइकस अभी हम पढ़ भी रखे थे जैसे, तो साइकस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साइकस में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? साइकस की स्पीशीज है रेवोल्यूटा, साइकस रेवोल्यूटा, इसे सागो पाम कहते हैं, इसे साबूदाना मिलता है ना, सागो इज ऑप्टेंट। तो ये यूजफुल प्लांट हो गया, साइकस रेवोल्यूटा को हम सागो पाम कहते हैं, सागो इज साबूदाना है ना। साबूदाना दो तरीके का होता है, एक साइकस से मिलने वाला है फिलहाल जो लिखा हुआ है वो, और मोस्टली जो साइको आता है वो टेपोइका की रूट से मिलता है, वो एंजियोस्पर्म। अभी आप साइकस रेवोल्यूटा सागो पाम याद रखिए, जिससे आपको सागो मिलता है, यही साइकस का यूज है। इसके अलावा साइकस बेसिकली ऑर्नामेंटल की फॉर्म में यूज होता है, डेकोरेशन में लोग यूज करते हैं। आपके यहाँ अगर गार्डनिंग या प्लांट्स लगे हैं तो साइकस इज वन ऑफ देम मे बी, तो साइकस एज एन ऑर्नामेंट यूज होता है। फिलहाल आपको साइकस में यही याद रखना है। जो दूसरा ग्रुप है वो निकनेम में कोनीफर्स कहलाते हैं, इनको कोनीफेरोफाइटा बोला जाएगा। इसमें मोस्टली ट्रीज हैं एंड फ्यू हर्ब्स श्रब्स जैसे आपने पढ़े थे। तो मोस्ट ऑफ द जो मेंबर है वो किसमें आएंगे? वो कोनीफर्स में आएंगे। कोनीफर्स कोन लाइक अपीरियंस होगा इनका, जैसे आप क्रिसमस ट्री का बनाते हैं है ना, उसी तरीके का अपीरियंस है सारे ट्री का, इनमें से जो मेंबर जो ट्री है ऑब्वियस सी बात है, तो वो कोनीफर्स कहलाते हैं। इन्हीं में आप एग्जाम्पल जो आपको पढ़ रहे हैं उसमें से एक एग्जाम्पल आपको पढ़ना है पाइनस। पाइनस को इंग्लिश में पाइन कहते हैं या चीड़ कहते हैं, चीड़ की लकड़ी होती है ना, तो पाइन पाइन ट्री या चीड़ कहलाता है पाइनस। इसका यूज क्या क्या है? यूज्ड एज ए टिम्बर, लकड़ी की फॉर्म में यूज करते हैं। टिम्बर इज कमर्शियल वुड है ना, वुड और टिम्बर, टिम्बर का मतलब है कमर्शियल वुड, जिससे आप फर्नीचर या आर्टिकल सोफा बेड टेबल डाइनिंग टेबल इस टाइप की चीजें बनाते हैं। तो चीड़ की लकड़ी को यूज किया जाता है, कॉस्टली लकड़ी है, इट इज यूज्ड एज टिम्बर है ना। इसके अलावा इट इज सोर्स ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल, जो थिनर की फॉर्म में यूज होता है ड्यूरिंग व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश करने में पेंट में जो मिलाते हैं वो तारपीन का तेल होता है। इट्स ए नेचुरल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड ऑफ पाइनस, तो पाइनस से आपको मिल जाएगा। पाइनस के जो सीड्स है वो एडिबल होते हैं, एज ए ड्राई फ्रूट यूज होते हैं, चिलगोजा कहते हैं। चिलगोजा ड्राई फ्रूट्स की फॉर्म में आता है, वो पाइनस, पाइनस में वैसे स्पीशीज है पाइनस जिराडेना, उसी के सीड्स को। आपको जो नोट्स मिले होंगे, आपको नोट्स मिलते हैं? यस सर। केल्विन का मॉड्यूल मिला होगा ना? हम्म। आप एक बार उसको भी ओवरव्यू कर लीजिएगा, मतलब मैं उन दोनों के बीच में हूँ, एक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर आपको मेरे नोट्स पढ़ने हैं, फिर आपको उसके बाद केल्विन का मॉड्यूल देखना है एक बार, है ना। अब केल्विन के मॉड्यूल में हो सकता है मैं दो एग्जाम्पल ज्यादा पढ़ाऊँ, उसमें दो और प्रिंट कर दिए, मैं नहीं बनाया हुआ है, तो मुझे उसमें सारे एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, बट वो तो रिपीटेशन ही होगा। एनसीईआरटी पढ़नी है और ये नोट्स जो मैं क्लास में आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। क्वेश्चंस कहीं से भी कर लीजिए, लेकिन टेक्स्ट कहीं और से मत पढ़िएगा, क्योंकि हर बुक्स के अंदर दो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के हैं वो तो सब बुक्स में होते हैं, बाकी के जो चार एग्जाम्पल अलग से होते हैं वो एमटीबीजी में कुछ और हैं, अरिहंत में कुछ और हैं, सिंगेज में कुछ और हैं, है ना, सब अलग अलग पब्लिकेशन ने अलग अलग दिए होते हैं। इवन मैंने यहाँ पे दो पढ़ाए मॉड्यूल में, चार एग्जाम्पल एक्स्ट्रा दिए होंगे, तो जो मैंने पढ़ाया उस चीज को अगर आपको मॉड्यूल से देखना है तो आप देख लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो लाइन्स वहाँ पे प्रिंट होंगी, तारपीन का तेल है, उसका काम क्या होता है, चिलगोजा एडिबल है, इसके सीड्स होते हैं पाइनस के जिन्हें हम खाने में ड्राई फ्रूट्स की फॉर्म में यूज करते हैं, तो पाइनस की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो पाइनस एक याद रखना है। दूसरा सिड्रस कहते हैं जीनस, CDRUS, इसको देवदार कहते हैं, सुना है?
चीड़ और देवदार क्या बोल रहे हो? है ना, लकड़ी ही होती है, इसका भी यूज्ड एज टिम्बर। आप देवदार आपको और ऊपर मिलेगा, जैसे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का नीचे का एरिया, मतलब जो टुवर्ड्स प्लेन आएगा, क्योंकि हम दिल्ली को अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिकल बेल्ट में है, ट्रॉपिकल से ऊपर आता है सब ट्रॉपिकल, तो पाइनस की बेल्ट सब ट्रॉपिकल से शुरू होती है और टेम्परेट तक जाती है। अगर आप मूव करेंगे दिल्ली से, मान लीजिए देहरादून जा रहे हैं, तो देहरादून जाने में जो स्टार्टिंग में आपको फॉरेस्ट दिखाई देगा वो पाइनस का होगा, रानीखेत हो गया, देहरादून हो गया, ये सब पाइन की बेल्ट है। और अगर आप और आप मैप में देखोगे तो उत्तराखंड से ऊपर आता है हिमाचल प्रदेश। अगर आप हिमाचल में जाएंगे तो शिमला से ऊपर आप जितना भी जाएंगे तो वहां पे आपको देवदार के फॉरेस्ट दिखाई देंगे, देवदार और ज्यादा ऊंचाई पे। या फिर आप उत्तराखंड में भी जाना है तो उत्तरकाशी से ऊपर जाइए तो फिर आपको पिथौरागढ़ साइड में, वहां पे आपको जो है वो देवदार दिखाई देगा। तो देवदार प्रॉपर टेम्परेट एरिया का है, पाइनस सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट एरिया में रहता है। देवदार और पाइन, मतलब ये दो सबसे इम्पोर्टेंट वुड ट्री हैं जिम्नोस्पर्म की, जो इंडिया में होती हैं, और इंडिया टिम्बर मार्केट में पूरे वर्ल्ड में एक अच्छी खासी पोजीशन रखता है, तो हम हमारे लिए टिम्बर इम्पोर्टेंट है। चीड़ एंड देवदार पाइनस एंड सिड्रस कहलाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। इसके अलावा जो आप ऑर्नामेंटल में जानते हैं वो ऑरोकेरिया, क्रिसमस ट्री जो लोग अपने घर में यूज कर लेते हैं एज एन ऑर्नामेंट, है ना। थूजा जानते होंगे, मोर पंखी को कहते हैं, ये भी एज ए ऑर्नामेंट यूज होता है। इन सबको हम लगा तो गमलों में लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये ट्री है और छोटे मोटे नहीं है, 100, 200, 600 ईयर के लाइफ स्पैन के साथ है। इनके स्टेम इतने बड़े हो जाते हैं कि अगर आप ऐसे कवर अप करके बंद करना चाहोगे तो आपके एरिया में भी नहीं आएंगे। तो ऑरोकेरिया और थूजा ये सब टॉल ट्रीज हैं, सब जिम्नोस्पर्म में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट। ऐसे एक एबीस का ट्री होता फिलहाल आप इनमें से पाइनस और सेड्रस दो तो याद कर ही सकते हैं ना, ये सब ट्रीज मैंने लिखे है ना। ट्री है तो ऐसे वुड यूज हो ही जाएंगे ऑफ कोर्स, बाकी चीजें जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब जो इसमें श्रब वाले प्लांट है वो कौन कौन से हैं, तो अच्छा वो मैं आपको नेक्स्ट पेज फिर देख लेता हूँ। जो श्रब्स हैं वो कौन कौन से हैं उनमें, सर एक मिनट पीछे कर दीजिए, छूट गया। कोई बात ओके सर। नहीं। अभी इसका जो रेजिन होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है, इसका जो रेजिन है, रेजिन गम के जैसा मटेरियल है, उसे हम कनाडा बालसम कहते हैं। ये रेजिन का नाम है एक्चुअली, ना जो पाइन का रेजिन है, ये जो टर्पेंटाइन ऑयल है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड पाइन रेजिन। पाइन में जो ग्लू के जैसा मटेरियल होगा वो तारपीन का तेल है। ऐसे सेड्रस का भी रेजिन आता है ना, एबीस का जो रेजिन है वो ये है ना। आपने स्कूल में परमानेंट स्लाइड देखी होंगी ना, लैब में दिखाई गई होंगी आपको, कुछ स्लाइड यस तो आप बनाते सर, हैं। आपके साथ काम किया। हाँ, स्लाइड आप बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप स्लाइड आपने लिया, उस पर सेक्शन कट कर लिया, स्टेन करने के बाद रख लिया, फिर ग्लिसरीन की ड्रॉप डाली और फिर कवर स्लिप रखा और माउंट करके देख लिया, और देखने के बाद वॉश करके वापस कर दिया, है ना। प्रॉबेबली यही होता है। हम जो करते हैं, मतलब आप जो स्कूल में करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी माउंटिंग। माउंटिंग का मतलब है ग्लिसरीन की ड्रॉप रख के उस पर कवर स्लिप रखना और स्लाइड को विजुलाइज करना अंडर माइक्रोस्कोप। जो आपको परमानेंट स्लाइड दिखाई जाती है उसमें तो ऐसा नहीं होता कि कवर स्लिप अलग हो जाएगी और स्लाइड अलग हो जाएगी, बीच में से सैंपल कहीं बाहर चला जाएगा, दे आर परमानेंटली ज्वाइंट, है ना, उसे हम परमानेंट माउंटिंग कहते हैं। तो माउंटिंग करने के लिए परमानेंट स्लाइड बनाने में जो ग्लू यूज होता है, जो कवर स्लिप और स्लाइड को चिपकाएगा, पेस्ट करेगा, दैट ग्लू इज कनाडा बालसम, और ये प्लांट प्रोडक्ट है ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री एबीस बालासेमिया स्पीशीज है। इसका रेजिन कमर्शियली यूज होता है ना, ये स्लाइड प्रिपरेशन में, परमानेंट स्लाइड बनाने में यूज होता है। जैसे आप ग्लिसरीन लेते हैं, ये एक रेजिन का काम करता है ना। अगर आप श्रब वाले प्लांट्स में देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उनमें जिंको, जिंको भी लिविंग फॉसिल है। इसे लिविंग फॉसिल इसलिए कहते हैं बिकॉज ये एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये लास्ट है जिम्नोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म आ जाएंगे, तो एंजियोस्पर्म के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं, तो जिनको आपको याद रखना है ना। नीटम है,
इसका बुक फिगर एनसीईआरटी में दिया है, जिंको का तो बना ही हुआ है ना, एक इमेज बनी हुई है, इफेड्रा, ये याद रखिएगा, इफेड्रा से एक ड्रग मिलती है, दैट ड्रग इज इफेड्रिन। RIN है, ठीक है, स्पेलिंग। ये है कैसी, ये एंटी एस्थमेटिक है, एस्थमा के पेशेंट्स को दी जाती है, एस्थमा के अगेंस्ट में, एंटी एस्थमेटिक। और ऐसे ही एक ड्रग है एंटी कैंसरस, दैट प्लांट इज कॉल्ड टैक्सस बकाटा। ये दोनों क्वेश्चन एम्स के हैं। इससे जो ड्रग मिलती है दैट ड्रग इज कॉल्ड टैक्सोल। ये दो बार क्वेश्चन आया, एक बार इसको पूछा गया था तो इसका इंग्लिश नेम दिया था, इसे यू ट्री कहते हैं। टैक्सोल कैसा है, ये एंटी कैंसरस है, कैंसर के अगेंस्ट में यूज होती है, जो कैंसर के पेशेंट्स को कहते हैं ना, कीमोथेरेपी चल रही है कैंसर में, तो कीमोथेरेपी में जो ड्रग दी जाती है दैट ड्रग इज टैक्सस बकाटा से मिलने वाली ड्रग है टैक्सोल। ये दोनों ही इंडिया की ड्रग्स हैं, पेटेंटेड बाई, अब तो एम्स का एग्जाम होता नहीं, बट पहले एम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ जाते थे जो मेडिसिन से रिलेटेड हुआ करते थे, पेटेंटेड बाय थोड़ा लेफ्ट साइड कर दीजिए, सेंट्रल ड्रग लेफ्ट में करना है, तो ये लीजिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI कहते हैं, लखनऊ में, यूपी। फिर आपने बोला ये शराब है, इसमें तो आपने ब्रैकेट में ट्री लिखा है। अब यू प्लांट लिख लीजिए, है तो सभी तो। ये भी पूछा गया था कि CDRI लखनऊ से जो पेटेंटेड एंटी कैंसर ड्रग है वो कौन सी है, तो वो टैक्सोल है ना, एंटी एस्थमेटिक कौन सी है, तो इफेड्रिन है, जिंको, नीटम, इफेड्रा, टैक्सस, ये सब श्रब वाले जिम्नोस्पर्म है ना, जो पीछे पेज पे लिखे थे वो सारे ट्रीज थे, ये सब वुडी श्रब है, याद रखिएगा। जिंको भी मेडिसिनल प्लांट है वैसे तो, जिंको बाइलोबा वन ऑफ द स्लोएस्ट ग्रोइंग प्लांट है, लिविंग फॉसिल है, बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। बाइलोबा इसलिए क्योंकि इसकी में दो लीफ होती हैं, तो दो लोब्स बने होते हैं, तो बाइलोबा, जिंको बाइलोबा, ये भी स्किन रेमेडीज में यूज होता है, चाइनीज मेडिसिन वगैरह में जिंको बाइलोबा के एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखनी है, क्लियर? सो ये दोनों पेटेंटेड है, हाँ दोनों एंटी ही, दोनों, एस्टिमेटेड फॉर एंटी कैंसर। दोनों इंडिया की हैं ड्रग्स, इंडियन ओरिजिन की ड्रग्स हैं, CDRI लखनऊ के पास इनका पेटेंट। इफेड्रिन और टैक्सोल, एंटी एस्थमेटिक और एंटी कैंसरस। अब दो चीजें आपको और इसमें पढ़ने हैं, पॉइंट्स। एनाटॉमी का अगर आपको याद हो तो एनाटॉमी में आप पढ़ते हैं जाइलम, है ना, जाइलम फ्लोएम पढ़ाया जाता है आपको। जाइलम में चार एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकीट्स, वेसल्स, फाइबर, पैरेन्काइमा, याद है? उसमें एनसीईआरटी में लिखा है वेसल्स के बारे में, जब आप एनाटॉमी में पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि दे आर कैरेक्टरिस्टिक टू एंजियोस्पर्म। पूछा ये जाता है कि जिम्नोस्पर्म हैविंग वेसल्स, क्योंकि नॉर्मली जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में केवल ट्रैकीट्स होती हैं, लेकिन ऐसे जिम्नोस्पर्म्स जिनमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं, तो उनके एग्जाम्पल ये है ना, इसीलिए ये लिंक शो करेंगे कि इन वाले प्लांट से आगे एंजियोस्पर्म बने, तो उसका क्लू क्या है, उसका उसके सपोर्ट में आप क्या एविडेंस दोगे। तो क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जाइलम में वेसल्स होती हैं, तो ऐसे ही वेसल्स आपको कहाँ मिलेंगी, ये आपको इनमें मिल जाएंगी, नीटम है, इफेड्रा है, एक प्लांट और भी है वेलवेशिया, तो इनमें क्या है वेसल्स प्रेजेंट होती है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन दीज जिम्नोस्पर्म शोज दैट एंजियोस्पर्म्स आर इवॉल्व फ्रॉम सच काइंड ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म तो ये भी थे, लेकिन इनके जाइलम में ट्रैकीट्स होती हैं, वेसल्स नहीं होती। जिम्नोस्पर्म हैविंग वेसल्स का एग्जाम्पल अगर आएगा तो आपको यहाँ से नीटम, इफिड्रा ये लेना है। एक तो ये हो गया,
दूसरा क्या है, एंजियोस्पर्म में भी जैसे भी आपने लाइफ साइकिल ड्रॉ की, तो लाइफ साइकिल में लिखा भी और आपने ड्रॉ भी किया कि फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम है, और एंजियोस्पर्म में तो नहीं होती। एंजियोस्पर्म में आप क्या पढ़ते हैं, मेल गैमेटोफाइट तो 3 सेल का पढ़ते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक कहते हैं, वो पढ़ाया जाता है कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। तो इसका मतलब आर्किगोनियम एंजियोस्पर्म में खत्म हो जाएगी, गैमेटोफाइट और छोटा हो गया, मेल तो है ही, फीमेल गैमेटोफाइट भी रिड्यूस हो गया। तो ऐसा ही रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट फिर आपको यहाँ मिल जाएगा। नॉर्मली जिम्नोस्पर्म के अंदर आर्किगोनिया होती है, बट जिम्नोस्पर्म विदाउट आर्किगोनिया अगर आता है तो भी यही एग्जाम्पल है। और ये दोनों बातें किस चीज से मैच करेंगी, एंजियोस्पर्म से। तो इसका मतलब है कि एंजियोस्पर्म का एवोल्यूशन किन से हुआ होगा, ऐसे जिम्नोस्पर्म से हुआ होगा जिनमें आर्किगोनिया भी नहीं है और जिनमें वेसल का डेवलपमेंट ऑलरेडी हो गया। और फिर जब एंजियोस्पर्म ग्रुप आएगा तो उसमें तो वेसल्स भी होंगी ही होंगी, और आर्किगोनिया तो खत्म हो ही चुकी है तो उसमें तो वो चीज आएगी नहीं। दो पॉइंट्स आपको बस यहाँ पे और याद रखने हैं। अगर पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म हैविंग वेसल्स इन देयर जाइलम, और एक दूसरा चीज आएगा एब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया, तो इन दोनों के आंसर आपको मिल जाएंगे ऊपर जो लिखे हुए नीटम जी साइलेंट था एफेड्रा, एक और प्लांट भी है बट आप दो याद कर लीजिए। तो ये क्या हुआ, दिस शोज रिजेम्बलेंस विद एंजियोस्पर्म, है ना, इनका पर्पस क्या हो गया, ये चीजें क्या है, ये रिजेम्बलेंस या एफिनिटी विद एंजियोस्पर्म। एफिनिटीज को शो करते हैं, रिजेंबल करते हैं, ये आपको मतलब याद रख, जैसे होता है ना हर चीज कनेक्टिंग होती है। अब अगर आप समझे कि भाई जिम्नोस्पर्म किससे बने, तो मैंने ये लिख दिया आपके सामने, ये नीटम और एफिड्रा से बने, ठीक। फिर कहा जाए कि एंजियोस्पर्म, फिर कहा जाए जिम्नोस्पर्म किससे बने, तो जिम्नोस्पर्म की शुरुआत में आपने क्या पढ़ा, साइकस, और टेरिडोफाइट का लास्ट क्या था, फर्न। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या पढ़ा आपने कि साइकस में भी फर्न कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ सर्सनेट टिक्सिस एंड प्रेजेंस ऑफ मोटाइल मेल गैमीट जो फर्न में भी थे, है ना। तो इसका मतलब फर्न से टेरिडोफाइट जो फर्न में आपने पढ़े हैं, फर्न जो टेरिडोफाइट में पढ़े हैं, उनसे जिम्नोस्पर्म लाइक साइकस का ओरिजिन हुआ, और जिम्नोस्पर्म में जैसे नीटम एफेड्रा है तो इनसे एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ। अब अगर कहा जाए कि टेरिडोफाइट किससे बने, तो ब्रायोफाइट से बने। इस बात का क्लू क्या है कि टेरिडोफाइट का ओरिजिन ब्रायोफाइट से हुआ, तो उसमें भी आपने पढ़ा कि ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट था उसमें लीफ का डेवलपमेंट, मतलब रूट स्टेम लीफ वाली प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट में जो लीफी इरेक्ट पोर्शन था वो बन गया था, वही चीज टेरिडोफाइट में रूट स्टेम लीफ की फॉर्म में आ गई, हालांकि क्रोमोसोम नंबर का स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट का एक चेंजेस था, तो वो भी मैच कर रही है। तो ब्रायोफाइट में जो मॉसेस हैं उनसे बने होंगे टेरिडोफाइट, फिर टेरिडोफाइट में जो फर्न है उनसे बने जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में जो ये वाले प्लांट हैं श्रब, इनसे बने एंजियोस्पर्म। अब अगर आए कि ब्रायोफाइट किससे बने होंगे, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि दो अलग अलग बातें थी, क्योंकि ब्रायोफाइट का ओरिजिन ग्रीन एल्गी से हुआ या रेड एल्गी से हुआ, इसमें दो अलग अलग मत हैं, दो अलग अलग ग्रुप बन गया साइंटिस्ट के। कुछ लोग मानते हैं कि जो एंसियंट एल्गी है वो रेड एल्गी है, एडवांस ग्रीन, और कुछ के हिसाब से रेड एल्गी एडवांस है और ग्रीन एंसियंट है। अब जो एनसीईआरटी फॉलो करती है उसके हिसाब से क्या है कि ग्रीन एल्गी एडवांस है, क्यों, तो उसका रीजन आपको मैंने लिख के दिया था कि ग्रीन एल्गी में जो कारा है, जिसमें आप पढ़ते हैं कि सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं, और ब्रायोफाइट में तो हमेशा सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड ही आपने पढ़े, तो सेक्स ऑर्गन के बेस पे हमने माना कि ग्रीन एल्गी को एडवांस है। और दूसरी चीज, रेड एल्गी प्रिमिटिव क्यों है, तो उसके लिए भी आपने लिखा कि आर फाइको एरिथ्रिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी का पिगमेंट था वो हमें रेड एल्गी में दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि प्रोकैरियोटिक एल्गी से रिजेंबलेंस शो कर रहा है, तो रेड एल्गी प्रिमिटिव हो गई और ग्रीन एडवांस। उस बेस पे फिर हमने मान लिया कि ग्रीन एल्गी से ब्रायोफाइट, फिर ब्रायोफाइट में से मॉसेस से टेरिडोफाइट, फिर टेरिडोफाइट में फर्न से साइकेड यानी जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में नीटम और फिट्रा से एंजियोस्पर्म। तो ये
सब चीजें लिंक होती हैं. इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन एविडेंसेस, बिकॉज पास्ट में जाके तो कोई देख नहीं सकता किससे क्या बना. हमें जो एविडेंस मिल रहे हैं उनको हमें लिंक करना है. तो इसलिए कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक्वेटिक एंसेस्ट्री का मतलब क्या है, या ये वाले प्लांट अगर इनसे बने तो किस बेस पे ये बात कही जा रही है. तो उनके क्लूज आपके बुक में ही है, बस आपको वो रिलेट करने हैं. आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे. फिलहाल हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ लिया, हमें एंजियोस्पर्म पढ़ना है और लाइफ साइकिल पैटर्न. लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म का आता है तो डिप्लॉन्टिक टाइप का है मोस्ट ऑफ द केस में. पूरा जो स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ये लाइफ साइकिल बना हुआ था, तो इसमें केवल ये माइक्रोस्पोर मेगास्पोर हैप्लॉइड है. ये तो 3 सेल का ही हैप्लॉइड है. यहाँ पे फिर भी आर्किगोनिया है और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट. तो मेजोरिटी ऑफ द फेज में कैसा है, डिप्लॉइड है. गैमेटोफाइट तो थोड़ी देर के लिए बनेगा और वो भी स्पोरोफाइट से जुड़ा रहेगा. इट मींस कि लाइफ साइकिल कैसी होगी, डिप्लॉन्टिक टाइप की होगी. मैंने आपको लाइफ साइकिल साइड बाय साइड पढ़ाया है, हालांकि आप लाइफ साइकिल पैटर्न एंड इस चैप्टर में लास्ट में एक अलग से टॉपिक भी दे रखा है. हाँ बोलो बेटा. सर आपने अभी वो जो ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी बताया था, मतलब मुझे लग रहा है मैंने लिखा है लेकिन पता नहीं मिल नहीं रहा, तो एक बार फिर से बता दीजिए रेड एल्गी का कि क्यों उसको एडवांस माना जाता था मैं दिखाता हूँ आपको. कुछ आपके भी पास पीडीएफ फाइल है? मैं जो सर. पीडीएफ हाँ है भेजती लेकिन हूँ नहीं मिलती हाँ ये सर है, है ना, एक बार चेक कर ये लिया सर करो. है. होता क्या है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं. होता क्या है कि अगर मैं कोई चीज मान लीजिए पढ़ाते समय छोड़ दी, थ्योरी है, तो आप एक बार पीडीएफ फाइल से जब टैली करोगे ना, तो आपको जो भी चेंजेस होंगे वो चेंजेस मिल जाएंगे. जैसे मैंने ये एलगी में आपको यहाँ तक पढ़ाया था, ये जो रेड लाइन है ना, मैंने आपको क्लास में यहाँ तक पढ़ाया था. इतना सेक्शन अलग से लिख के पीडीएफ फाइल में दे दिया था. अब आप पढ़ के देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीजें. ग्रीन एलगी मोस्ट एडवांस है, इन्हें एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट्स मानते हैं. क्यों? उसका रीजन लिखा है, सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं, एग्जाम्पल कारा. ये जो लाइन रेड से लिखी गई है वो 12th की NCERT से ली गई है. 12th की NCERT में जो पहला चैप्टर है उसमें कारा का डायग्राम बना हुआ है और लिखा है कि कारा के सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलर जैकेटेड होते हैं. और ऐसे ही सेक्स ऑर्गन आपको ब्रायोफाइट में मिलेंगे. N3D आर्किगोनिया के लिए आपने लिखा है ब्रायोफाइट में सेक्स ऑर्गन और मल्टी सेलर जैकेटेड. तो नीचे भी लिखा है कंपेरिजन में कि मोस्ट ऑफ द एल्गी में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन सिंगल सेल के होते हैं और नेकेड होते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट हमने ग्रीन एल्गी को एडवांस माना, मोस्ट एडवांस है. रेड एल्गी को प्रिमिटिव क्यों माना, एंशियंट एल्गी क्यों बोला, क्योंकि इनका पिगमेंट है हैविंग आर फाइकोएरिथ्रिन. ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. और ये पिगमेंट आपको कहाँ मिलता है, ये आप बीजीए में लिखते हैं. आपने मोनेरा में आप देखिएगा ब्लूरिन एल्गी, तो वहां पे इस पिगमेंट का नाम मेंशन होगा. तो जैसे हम कह रहे हैं कि रेड एल्गी एडवांस है और ग्रीन प्रिमिटिव है, या ग्रीन एडवांस है रेड प्रिमिटिव है, तो सबके सपोर्ट में कुछ ना कुछ बातें कही गई हैं. अब क्योंकि हम नीट वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं एनसीआरटी वाला, तो एज पर एनसीआरटी ग्रीन एल्गी एडवांस है. उसका रीजन ये है कि कुछ ग्रीन एल्गी लाइक कारा में सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड हो गए, और आगे जो भी सेक्स ऑर्गन आप पढ़ते हो वो सब मल्टी सेलुलर जैकेटेड ही है. और सेक्स ऑर्गन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमंग ऑल द क्राइटेरिया कभी भी कंपेयर करना होता है कि वेजिटेटिव को रिप्रोडक्टिव से, तो इवोल्यूशन में हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफरेंस दी जाती है. जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली जितना ज्यादा वर्क करेगा वो उतना एडवांस माना जाता है. जैसे आपने फंगी में या एल्गी में या ब्लू ग्रीन एल्गी में या प्रोटेस्टा में अगर कुछ क्वेश्चंस किए हो, तो वहां पे आपको ये मिलेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कब होता है. तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब करते हैं जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है. फेवरेबल कंडीशन में तो ए सेक्सुअल या वेजिटेटिव कर लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर प्रिमिटिव. बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो फेवरेबल कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि हायर प्लांट्स हायर एनिमल्स सब जगह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही फेवरेबल कंडीशन में होता है. लेकिन आप लोअर प्लांट्स की बात करोगे तो वहाँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में होता है ना. तो जैसे प्रोटिस्टा के मेंबर है, तो प्रोटिस्टा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होगा जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी, जबकि इसीलिए तो छोटा है, प्रिमिटिव है, सिंपल टाइप का है. ये लिखिए. और एक लाइन ये मैंने पढ़ाते समय तो नहीं बोला था, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है तो हो सकता है कल को ये पूछ ले कि टोटल CO2 फिक्सेशन का एल्गी कितने परसेंट करती है. तो लिखा है उन्होंने कि एटलीस्ट ए हाफ ऑफ टोटल. ये 3 पॉइंट्स मैंने बाद में अलग से लिख ओके
आप चाहे तो यहीं से नोट कर लो, और नहीं तो आपको एलजी वाले सेक्शन में जो पीडीएफ फाइल मिलेगी उसमें ही लिखा होगा। मतलब डेली पीडीएफ फाइल मैच करना है? मैच करना है मतलब अगर कुछ होगा तो लास्ट में ही लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लास्ट में, ओके सर। मैं अलग से करके दे दूंगा आपको। और मैच करना है क्या, रिवाइज ही तो करना है पीडीएफ फाइल से, वर्ड बाय वर्ड क्या टैली करोगे, रिवाइज करना है, रिवाइज कर। ओके सर। एक कंसर्न है कि अगर कोई चीज रह गई तो फिर वहां करा दी गई। नेक्स्ट क्लास में एंजियोस्पर्म खत्म हो जाएगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, और मे बी हम मॉर्फोलॉजी स्टार्ट भी कर लेंगे क्योंकि एंजियोस्पर्म तो छोटा सा ही है। और इस बार फिर जो टेस्ट होगा, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी है आपकी 2 अक्टूबर है, और फिर मंडे को टेस्ट होगा, तो मंडे में जो टेस्ट होगा उसमें पूरा चैप्टर आएगा है ना, प्लांट किंगडम कंप्लीट होगा। और अगर कोई चेंज हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, अभी तो आप प्लांट किंगडम कंप्लीट मान लीजिए। ओके सर, सी यू नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल।